Dear student, I'm your class teacher and I hope you all are safe and fine at your home with your families. So as you know, your holidays has been started from today onwards. So I will have some work for you for your summer vacations. Let's move forward. Dear students, your summer vacation are starting from 18 May 2021 to 20 June 2021. Hope your holidays will go with fun and learning. Your books are your companion, so be friendly with books and give time to your study as well as your games and do creative things at your home. तो चलिए अब हम आपको आपका holiday homework देते हैं. So firstly we will start from Hindi. आप लोग का हिंदी में वर्क दिया है कि पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो आप लोग का चैप्टर 4 है मन करता है आपको उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें लिखनी है, ऐसी अपने मन की भावनाएं लिखनी है जो आपके दिल में भी आती हैं, जैसे चैप्टर में दिया गया है कि उस चैप्टर में जिस अकॉर्डिंग बच्चे के दिल में जो भावनाएं आती है आपके दिल में ऐसा जो भी चीज़ें आती हैं आपको वो सब चीज़ें मेंशन करनी है कि आपका मन क्या क्या करता है. सेकंड क्वेश्चन है कि आपको 28 पेज लेके लिखने हैं, एक ही दिन में नहीं लिखने हैं, आपको डेली एक एक पेज राइटिंग का लिखना है. थर्ड आप लोग का है कि आप लोगों को बताना है कि मात्राएँ कितने प्रकार की होती हैं और आप लोगों को सभी मतलब जो मात्राएं होती हैं उनके 10 उदाहरण लिखने, एक मात्रा के 10 उदाहरण होने चाहिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर इंग्लिश वर्क. आप लोगों को इंग्लिश वर्क में करना है कि एक डिक्शनरी प्रिपेयर करनी है जिसमें आपके कितने एक अल्फाबेट के मिनिमम 5 वर्ड्स होने चाहिए. लेस देन 5 वर्ड्स नहीं होने चाहिए, 5 वर्ड्स होने चाहिए. अबव होगा तो चलेगा बट बिलो नहीं होना चाहिए. 5 वर्ड्स आपको एक अल्फ़ाबेट के लिखने हैं उनकी मीनिंग के साथ, ठीक है. इससे क्या होगा, आप लोग की जो वोकैबुलरी है वो एनहेंस होगी और इसको जो आप डिक्शनरी बनाओगे उसको आपको एक ब्यूटीफुल कवर के साथ डेकोरेट करना है. यू कैन डेकोरेट योर डिक्शनरी. सेकेंड है आपको कर्सिव राइटिंग करनी है, इसमें भी एक एक पेज डेली करना है, ठीक है. एक एक पेज डेली करना है तो 28 पेज आपको टोटल करने हैं, एक एक पेज आप डेली करेंगे. थर्ड आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चैप्टर 1st, 2nd और 3rd के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग याद करने हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब वी विल डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्रिएटिव थिंग्स. तो आप लोग को आर्ट एंड क्राफ्ट और क्रिएटिव थिंग्स में क्या करना है, आपको एक अल्फ़ाबेट का चार्ट बनाना है जिसमें आपके सभी अल्फ़ाबेट्स होंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, पर आप लोग को इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि आप चार्ट के ऊपर किस किस तरीके से क्रिएटिविटी करके अल्फ़ाबेट को डेकोरेट कर सकते हो. जैसे कि आप एक आइसक्रीम स्टिक्स के साथ भी आप कर सकते हो, मैच बॉक्स में जो आपकी उसकी स्टिक्स होती हैं आप उसके साथ भी अल्फ़ाबेट्स बना सकते हो. तो अपने अंदर आपको क्रिएटिविटी लानी है और ये सब अल्फ़ाबेट्स चार्ट में ड्रॉ करने हैं. सेकंड आप लोग के पास है कि आप लोग को एक नोटबुक बनानी है जिसमें कि आप क्या करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर जितने भी हैं सबकी एक एक फ़ोटो लगाएंगे और आपको डिस्कस करना है उनका बिहेवियर कि आप लोगों के साथ कैसा है, घर में उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है. इस तरीके से आपको ये वर्क करना है. तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आप लोग का साइंस. साइंस में आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, ठीक है, बताना है. मतलब आप लोगों को जो प्रीवियस आप लोग की बुक्स होंगी या न्यूज़पेपर होंगे उसमें से आपको पिक्चर्स कट करनी है और आप लोगों को एक अलग से सेपरेट नोटबुक में आप लोग को उसको पेस्ट करना है जो आप लोग उसे कट करोगे, ठीक है. लिविंग थिंग्स आपकी जीवित होती हैं, नॉन लिविंग्स आपकी जिनमें कोई ग्रोथ नहीं होती, जो जीवित नहीं होती हैं, ठीक है. तो आप लोगों को ये आप लोग का वर्क है साइंस का. सेकंड आप लोग को क्या करना है,
सेकंड में आप लोग को करना है कि आप लोग के घर पे जितने भी टाइप के फ्रूट्स होंगे या आपके पड़ोस में जितने भी टाइप के फ्रूट्स होंगे, आप लोगों को उनकी लीफ इकट्ठी करनी है और देन पेस्ट इट इन द नोटबुक, पेस्ट करना है नोटबुक में, ठीक है। चाहे आप साइंस का वर्क एक ही नोटबुक में अलग अलग करके कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल लास्टली डिस्कस अबाउट द मैथ्स वर्क। आप लोग का मैथ्स वर्क क्या है? मैथ्स वर्क में आपको क्या करना है बेटा? फर्स्टली आप लोग को टेबल लर्न करने हैं और राइट करने हैं 15 तक आप लोगों को टेबल लर्न करने हैं, ओके, और राइट भी करने हैं, लिखने भी हैं साथ में। सेकेंडली आप लोग को क्या करना है? काउंटिंग राइट करनी है, लिखनी भी है 1 to 300, और बेटा ये लर्न भी करनी है 1 to 300 तक। थर्ड है आप लोगों का कि आप लोगों को एक मॉडल टाइप कुछ बनाना है जिसमें आप लोग डिस्कस करेंगे एंगल्स के टाइप, ठीक है। उसको भी आप क्रिएटिविटी दिखा के आप उसे कैसे चार्ट पेपर या जिस पे भी आप बनाना चाहते हो उसको कैसे आप क्रिएटिव थिंग्स दिखाओगे या क्रिएटिविटी कैसे दिखाओगे कि हाँ हम एंगल्स को जो टाइप्स हैं एंगल्स के हम उसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं क्रिएटिविटी के साथ, ओके। तो ये आप लोग का मैथ्स वर्क है और आई होप कि आप इसे कंप्लीट करेंगे और अपने हॉलीडेज़ को अच्छे से स्पेंड करेंगे विद द क्रिएटिव थिंग्स।